नहीं देखिए, ये सारे हमारे पुराने साथी भी हैं, हमारे लीडर भी हैं लुधियाना के, तो मैं सबका तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम रखा मेरे लिए कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने अपनी पॉलिटिक्स कभी किया नहीं पंजाब में, क्योंकि मेरा एक फील्ड उत्तर प्रदेश रहा है, तो यहाँ की पॉलिटिक्स यही हमारे लीडर हैं, यही सब करते हैं यहाँ पे, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कार्यक्रम रखा, जिला अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम रखा, सबको कॉल किया, तो मैं इनका, आशु जी का, डावर साहब का, बैज जी का, जो यहाँ पे और भी तमाम हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कुछ हमारे सीनियर लोग भी यहाँ खड़े हैं जिनके साथ मैंने यूथ कांग्रेस में यहाँ काम किया लुधियाना में, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जी देखिए, मेरे संबंध तो मतलब मैं कल आशु जी पूछ रहे थे कि भवानीपुर वाले भी कहते हैं, मलेरकोटला वाले भी, लुधियाना वाले भी, अमेठी वाले भी, तो मेरा लाइफ का स्पैन जो रहा, मैं पैदा हुआ भवानीपुर में, प्राइमरी एजुकेशन मेरी मलेरकोटला में हुई, उसके बाद मैं 9th में यहाँ आ गया तो SDP स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैंने आर्य कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करते ही मैं चला गया राजीव जी के संपर्क में, तो वहाँ से फिर मैंने 83 से संभाला काम वहाँ का, तो अभी टिल डेट मैं वहीं काम कर रहा हूँ, और मेरा ये सौभाग्य है कि जो मेरे आदर्श पुरुष थे राजीव गांधी जी, मेरे को उन्हीं को सीट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, इससे बड़ी किसी कांग्रेस वर्कर के लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। सर, यूपी में जिस तरह का बदलाव इस बार देखने को मिला, तो लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी परिवर्तन? नहीं, बदलाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वोट का डिवीज़न रुका है, बीजेपी जब जब वोट का डिवीज़न होता है तब तक उसका लाभ उठाती है, अदरवाइज़ क्योंकि उनको अपने मैनिफेस्टो पे वोट मांगने चाहिए थे, वो धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़का के वोट मांग रही थी, यूपी में तो ये पूरा फेल हो गए, हर जगह ये फेल हुए, तो ये है, तो धार्मिक आज लोग समझदार हो गए कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, अपने काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी आज रेल हादसा हुआ है। जी जी, ये देखिए, उनकी सरकार पिछले 10 साल से, अभी भी वो सरकार बनाए हुए हैं बैसाखी के सहारे, तो ये उनको देखना है कि रेल सेफ्टी के लिए काम करें, क्योंकि हम लोगों के ज़माने में रेल का बजट अलग पेश होता था, इन्होंने सब क्लब कर दिया, अब किसी को पता ही नहीं लगता कि रेल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ सहमति ली जाती है कि हर एरिया के सांसद का कि उनके यहाँ क्या होना है, मुख्य रूप से क्या है कि रेलें चलाने से ज़्यादा रेल की सेफ्टी के लिए करना है, हम बुलेट ट्रेन की तो बात कर रहे हैं लेकिन रेल पटरी की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर नित दिन दुर्घटनाएँ हों, रेलवे में पोस्टें कम की जा रही हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। सर, एक अमृतपाल को लेकर जो रवनीत बिट्टू मिलने की बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं पंजाब के अंदर हिंदू और सिखों का रिश्ता वही है जो नखून से मांस का रिश्ता होता है, हम लोग इनके गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाए जाते हैं, ये उसी भावना से यहाँ पंजाब चलेगा। सर, बंदी सिंह की रिहाई को लेकर भी मांग उठी है, तो रवनीत बिट्टू ने कहा है कि जिन लोगों ने सजा पूरी की है तो हम कोशिश करेंगे। बिट्टू जी का प्रश्न है मेरे से, तो उनसे पूछिए आप, बीजेपी में चले गए कांग्रेस में? हाँ, तो ठीक है, वो मतलब चले गए, उनकी इच्छा थी चले गए, ठीक है, ये सवाल उनसे पूछिए, ये मेरे सवाल नहीं है। अब मैं ज़्यादातर यूपी में रहा हूँ, पंजाब की डे टू डे पॉलिटिक्स से, क्योंकि जो आपकी ये न्यूज़ छपती हैं तो हमारे यूपी में नहीं छपती हैं वो, ठीक है, मैं यूपी से ज़्यादा कंसर्न हूँ। सर, इंडस्ट्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जैसे पंजाब की इंडस्ट्री लगातार प्लान कर रही है, तो पंजाब सरकारों का लगता है फेलियर कहीं ना कहीं? नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि यूपी में ये इवेंट कराते हैं, ये कराते हैं और यहाँ भी ये कराते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे जिससे कि इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो करे, इंडस्ट्री के लिए एक वातावरण दिया जाता है, तो वातावरण इनको देना चाहिए उस तरह की, इंडस्ट्री भी सर्वाइव करे, उसके अंदर लेबर भी सर्वाइव करे, तो पॉलिसीज़ को इस तरह बनाना चाहिए कि जिससे कि लेबर को भी फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री मालिक को भी फ़ायदा हो, उसके आम जन को फ़ायदा हो उसका।